सूरजपुर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने जिले में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां जिले के किसानों को ओलावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान ने चिंतित कर रखा है, वहीं एक दिन पहले हुए ओलावृष्टि से कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। जिले में लॉकडाउन के दौरान किसानों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए एकमात्र सहारा उनकी खेतों की फसल ही थी, लेकिन आंधी तूफान और बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा राशि दी जाएगी। दिन तो ऐसे ही मिलने कोई गेहूँ काटने वाला मिला नहीं, और मिला तो फिर तो मिल गया तो फिर अपना कोठार में ला के किया था गेहूँ, लेकिन गेहूँ फिर पूरा पूरा पानी में सड़ गया था। क्षति का आकलन के लिए राजस्व विभाग और कृषि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, और सर्वे पूर्ण होने पर वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि फसल का मतलब कितना क्षति हुआ है, और नियमानुसार जो भी क्षति कितनी मुआवजा देने का है वो। गुलशन बताएं, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।